हेलो फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदी। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कैरेक्टर अरेज इन C++। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था इंटीजर अरेज इन C++, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कैरेक्टर अरेज इन C++। ठीक है, सो वीएल स्टूडियो पर आने से पहले मैं आपको लेके चलूंगा इस वर्ड फाइल में, जहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ लेक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर अरेज के बारे में आज हम सीखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। सेकेंडली हमारा लेक्चर आज का होगा सिंटैक्स और उसके यूजेज पे, मतलब कैरेक्टर अरेज का स्पेसिफिक सिंटैक्स क्या है और हम कैरेक्टर अरेज को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेज के कंसेप्ट के बारे में तो आपको पता होगा कि अरेज क्या है। अगर आपने अरेज इन C++ मेरा लेक्चर नहीं लिया तो उस लेक्चर को आप लाजमी ले लें, तो इससे होगा क्या कि आपको आज के लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेज क्या है, ठीक है, करेक्टर अरेज क्या है। तो करेक्टर अरेज ये है कि इसके एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी डिफरेंट बॉगीज होती हैं, सो वो एक इकट्ठी ही ट्रेन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने C++ के अंदर फॉर एग्जाम्पल अपना नेम सेव करना है, जैसे मैं सेव करवाना चाहता हूँ अपने चैनल टीच मी टेक्निकल का फर्स्ट नेम टीच, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा कि जो अभी तक हमने पहले सीखा है कि मैं 5 वेरिएबल्स बनाऊँगा, एक के अंदर टी रख सेव करवाऊँगा, एक के अंदर ई, एक के अंदर ए, एक के अंदर सी और एक के अंदर एच, और फिर मैं उन सबको इकट्ठा प्रिंट करवा दूंगा और मैं कहूँगा वाओ मेरा टीच तो प्रिंट हो गया। लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। फॉर एग्जाम्पल हमने C++ के अंदर डिफरेंट लंबी लंबी लाइन सेव करवानी पड़ सकती हैं, हमें पैराग्राफ सेव करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्या हम इतने ज़्यादा वेरिएबल्स बनाएंगे? नहीं, C++ के अंदर हमें ये बहुत हेल्प है कि हमें अरेज प्रोवाइड की गई हैं। सो अरेज ये है कि ये देखें, अरेज कुछ इस तरह की होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट डेटा सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यही एग्जाम्पल है कि मैंने अगर टीच सेव करवाना है तो क्या मैं करूँगा, 5 मेमोरी लोकेशन मैं एलोकेट करवाऊंगा और उसके अंदर एक अंदर टी ई ए सी एच में सेव करवा लूंगा। ठीक है, सो जो अरे है इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास लोकेशन होती है उसका जो इंडेक्स होता है, आप एड्रेस कह सकते हैं इसको, वैसे जो इसका इंडेक्स होता है वो होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो मतलब यह है कि अगर आपकी अरे का साइज है 5 तो उसका इंडेक्स जो मैक्सिमम होगा वो होगा 4, क्योंकि इनिशियल जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। सो अगर आपके पास एक अरे है जिसका साइज होगा n, तो उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो होगा n-1, 0 से लेकर n-1 तक। सो यहाँ तक हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं C++ के अंदर विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए कि हम किस तरह करेक्टर अरेज को सेव करवाएंगे और करेक्टर अरेज को यूज करेंगे और उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसका सिंटैक्स क्या है आखिर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने करेक्टर अरे बनानी है, उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि हमने टीच सेव करवाना है। सो जब हमने अरे बनानी है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डेटा टाइप ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमने इस अरे में सेव क्या करवाना है। जैसे कि मैंने इस अरे के अंदर सेव करवाना है टी ई ए सी एच, मतलब टीच, जो कि करेक्टर डेटा टाइप है, तो मेरी अरे का जो अरे की डेटा टाइप है वो करेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, उसके बाद एक अरे का नाम होना चाहिए। सो मैं उसके अंदर कर लेता हूँ ARR। ठीक है, मैंने अपनी अरे का नाम रख दिया ARR। अब उसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो होती है कि अरे का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, सो मैं अपनी अरे का साइज रखना चाहता हूँ 5, क्योंकि मेरे जो करेक्टर्स टोटल हैं वो है TEACH 5। सो इस अरे के अंदर मैं करेक्टर सेव करवा सकता हूँ 5, लेकिन अपने 5 के 5 करेक्टर्स को ठीक तरह से सेव करवाने के लिए मुझे इसका साइज 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो करेक्टर होता है करेक्टर अरे पे वो बाय डिफॉल्ट नल करेक्टर पड़ा होता है। अगर उसकी जगह पर मैं कोई अपने से वैल्यू सेव करवा दूंगा तो होगा क्या कि कुछ गार्बेज भी प्रिंट होने लग जाएगा और अरे के अंदर सेव हो जाएगा, जो बाद में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाती है। मान लीजिए कि फिर उसको देखना कि ये जो हमारा एरर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो इसका आसान हल ये है कि आप अपनी करेक्टर अरे का साइज +1 कर लें। सो इसे होगा क्या कि लास्ट पर नल करेक्टर पड़ा होगा और आपका काम आसान हो जाएगा। सो अभी तक हमने ये सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करेक्टर अरे बनाई। ठीक है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमने लिखा है वो है उसकी डेटा टाइप।
करेक्टर, उसका नाम और उसका साइज, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि हम इसके अंदर डेटा कैसे सेव करवाएंगे, ठीक है। सो डेटा सेव करवाने का के डिफरेंट मेथड्स हैं। उसका फर्स्ट मेथड ये है कि आप ये करें कि जैसे ही आपने लिखा चार, उसका एरे का नाम, उसका साइज दिया, उसके बाद आप लिखें इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट्स डालें, और उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने जो भी करेक्टर सेव करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेव करवाना चाहता हूँ टीच, सो मैं लिखूंगा टी कॉमा ई, ठीक है, और इसको सिंगल कोट्स में कर देंगे हर करेक्टर को, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया कि हमने पांच करेक्टर्स अंदर लिख दिए और उस साइज अरे का 6 है, ठीक है। सो अब हम क्या कहते हैं कि जब हम सी आउट करेंगे, सी आउट ए आर आर, तो होगा क्या कि हमारे सामने एक अरे प्रिंट होगी जिसके ऊपर लिखा होगा टीच, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये आपके सामने आ चुका है कि हमने टीच प्रिंट कर लिया। सो अब बात ये सोचने वाली है कि मैंने करेक्टर अरे का साइज लिया 6 और उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो सेव करवाए 5। अगर मैं 6 करेक्टर सेव करवाऊँ तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेव करवाता हूँ करेक्टर फुल स्टॉप, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि मैंने 6 साइज रखा अरे का और उसके अंदर करेक्टर सेव करवा दिए 6। तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो ये होगी कि टीच और फुल स्टॉप तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन उसके बाद गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करेक्टर अरे का जो लास्ट मेमोरी लोकेशन होती है वहां पर बाय डिफॉल्ट नल करेक्टर सेव होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप सेव करवा दिया तो वो बाय डिफॉल्ट जो नल करेक्टर था वो ओवरराइट हो गया, और जिसकी वजह से गार्बेज वैल्यू भी करेक्टर अरे में शामिल होना शुरू हो गई। सो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए या तो आप करेक्टर अरे का साइज एक ज्यादा रख लें जितने आपने करेक्टर सेव करवाने, या फिर लास्ट पर आप नल करेक्टर सेव करवा लें, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि आपका जो एरर आया था वो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर टीच आ गया। अब सेकंड मेथड जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको साइज नहीं पता कि आपके अरे का साइज क्या होगा, मतलब टीच के जो करेक्टर्स हैं मैंने सेव करवाने हैं वो 5 हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैंने टीच में टेक्निकली और कुछ और बहुत ज्यादा सेव करवाने करेक्टर्स और मुझे करेक्टर काउंट नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने साइज दिया है उस साइज को मैं रब कर दूँ, अरेज कर दूँ और उसको रन कर दूँ। सो इससे होगा क्या कि सिस्टम अपने से खुद ही उसका साइज कैलकुलेट कर कर अरे बना देगा, ठीक है। लेकिन जब आपने ये मेथड यूज करना है जिसके अंदर आपने साइज डिफाइन नहीं करना, तो उसके अंदर लाजमी लाजमी लास्ट पर नल करेक्टर खुद सेव करवाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लास्ट पर नल करेक्टर होता है और होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, और थर्ड मेथड ये कि आपने फॉर एग्जांपल एक अरे बनाई जिसका साइज है 6, ठीक है। जब उसका साइज 6 है तो आप उसके अंदर कुछ वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं। अब जैसे मैंने लिखा था टीच, तो मुझे टी ई ए सी एच डिफरेंटली अलग अलग कॉमास के अंदर और सिंगल कोट्स में लिखना पड़ा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। उसका आसान तरीका यह है कि आप लिख सकते हैं strcpy, स्ट्रिंग कॉपी की कमांड है, आप उसको यूज कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स यह है कि strcpy, उसके बाद आपने लिखना है अपनी अरे का नाम और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर अपना डेटा लिख देना है, लेकिन डेटा का साइज याद रखें आपकी जितनी लेंथ है उससे एक कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TEACH, और इसको जब मैं रन करता हूँ तो होगा क्या कि मेरे सामने टीच प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि टीच उसके अंदर सेव हो चुका है ARR के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ, और चौथा मेथड क्या है कि करेक्टर अरे के अंदर वैल्यू सेव करवाने का चौथा मेथड है कि फॉर एग्जांपल आपने यूजर से डेटा इनपुट लेना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको लिखना है CIN ARR सेमीकोलन। इंटीजर अरे और करेक्टर अरे में यही डिफरेंस है कि आपने करेक्टर अरे के अंदर, ये बेसिक डिफरेंस है कि आपको करेक्टर अरे के अंदर जब आपने वैल्यू सीन करनी है तो आपने उसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं देना, आपको ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लिखेंगे CIN ARR, सो इसे होगा क्या कि पूरी अरे के अंदर ही डेटा फैच हो जाएगा। अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। जब हमने इसे रन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए आ रहा है कि वो यूजर से पूछ रहे कि आप अपना डाटा एंटर करें। अब जैसे कि मुझे पता है कि इसके अंदर कितने करेक्टर होने चाहिए, 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ टीच, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो सीआउट की कमांड चलेगी और टीच मेरे सामने दोबारा प्रिंट हो गया। फ्रेंड्स ये था एक और मेथड कि आप करेक्टर अरे के अंदर वैल्यू कैसे सेव करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक मेथड ये है कि आप
जो है एरे का साइज भी नहीं पता आपको कि एरे का साइज क्या है। सेकेंडली आप टी ई ए सी एच या इस तरह डिफरेंट करेक्टर्स को कॉमास के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखना चाहते, तो ये मेथड आपके लिए बहुत आसान है। इसके अंदर आपको करना ये है कि आपको लिखना है चार, उसके बाद ए आर आर मतलब कोई भी नाम, एम्प्टी ब्रैकेट्स, और एम्प्टी ब्रैकेट्स के बाद लिखना है इक्वल, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अपनी पूरी एरे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीच मी टेक्निकली, और जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, टीच मी टेक्निकली मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा। सो इसको रन करते हैं, एक मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है। एरर चला गया। तो इसको रन करके चेक करते हैं और आप देख सकते हैं कि टीच मी टेक्निकली मेरे सामने प्रिंट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर करेक्टराइज इन सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि उसका सिंटैक्स और उसका यूजेज क्या है। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड या कोई और सी प्लस प्लस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए वो स्पेसिफिक वीडियो बना सकें और वो शेयर कर सकें, जिसकी वजह से आपकी और बाकी डिफरेंट दोस्तों की मदद हो सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।